सावधान हो जाइए। जी हाँ, अगर आपके बच्चे स्मार्टफोन्स को ज्यादा यूज करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस दौर में सोशल मीडिया में एक्टिव रहना लोगों की एक जरूरत सी बन चुकी है, लेकिन अब ये एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। दिल्ली में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर रेप चैट का मामला सामने आने के बाद लाखों माता पिता की चिंताएं बढ़ गई हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। पर इंटरनेट पर लगे रहना और मोबाइल का यूज करना अब उनको एक अपराध की श्रेणी में भी ले जा सकता है। जी हाँ, यदि माँ बाप अपने बच्चों के फोन के व्हाट्सएप चैट और हिस्ट्री को चेक नहीं कर रहे हैं तो अब उनके लिए घातक साबित हो सकता है। एक ऐसे ही मामला दिल्ली में सामने आया है। इंस्टाग्राम ऐप पर एक पेज बनाया था जिसमें छात्राओं के अश्लील फोटो को शेयर किया जाता था। हालांकि इस मामले पर दिल्ली पुलिस जाँच कर रही है। आज के दौर में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ने लोगों की जिंदगी में अपनी एक अहम भूमिका बना ली है। घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पर सोशल मीडिया का भूत सवार है। लेकिन क्या कभी आपने अपने बच्चों के मोबाइल को चेक किया? क्या कभी उनकी इंटरनेट हिस्ट्री को देखा है? अगर नहीं तो अब ऐसा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन अपराध जगत में जाने की एक सीढ़ी हो सकती है। सोशल मीडिया पर बच्चों का दिन भर एक्टिव रहना कहीं आपके लिए घातक ना बन जाए। दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें इंस्टाग्राम ऐप पर बॉयज लॉकर रूम बनाकर नाबालिग छात्रों और लड़कियों के बारे में अश्लील बातें करते थे। दिल्ली के जिन बच्चों ने यह अपराध किया, शायद उनके पेरेंट्स ने सोचा भी नहीं होगा कि दिन भर मोबाइल में लगे रहने वाले बच्चे ऐसा अपराध कर बैठेंगे। मनोचिकित्सक डॉक्टर अखिलेश जैन कहते हैं कि टीनेज में बच्चों के साथ माता पिता ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और बच्चों के स्मार्टफोन्स पर अभिभावकों की नजर रहे। जब आपकी एज एडवांस होती है धीरे धीरे, तो आप पे कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक सेंसेशनल ड्राइव्स देते हैं। उसके अलावा जब आप इस तरह की साइट्स को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आज फ्री इंटरनेट सबके पास अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी जागती है। इसके अलावा चूंकि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को जब इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सिक्योर भी महसूस करते हैं। और चूंकि इसमें आप देखिएगा मैक्सिमम टाइम फेक आइडेंटिटीज़ होती हैं लोगों की, एक्चुअल आइडेंटिटीज़ नहीं होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जब इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होता है तो वो अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। और जब वो इस तरह की सिक्योरिटी महसूस करता है तो कहीं ना कहीं उसको एक इनडायरेक्टली एक एनकरेजमेंट मिलता है इस तरह की एक्टिविटीज में बढ़ने का। स्मार्ट दौर में पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि बच्चे किस ऐप में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और क्यों, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर कई तरह के ऐप और वेबसाइट्स मौजूद हैं जो बच्चों को गलत राह की ओर ले जाती हैं। पहले बच्चों के बिगड़ने का कारण उनकी बुरी संगत और दोस्तों को बताया जाता था, लेकिन इस दौर में बच्चों के बिगड़ने का सबसे बड़ा यंत्र पेरेंट्स ने खुद बच्चों को थमा दिया है। संस्कारों में जो कमी है आज की डेट में, उसमें क्या बोलते हैं, कहीं सबसे मेन कारण कहीं ना कहीं जो टीवी और फिल्मों के जरिए अश्लीलता परोसी जा रही है, और जो मेन कारण सोशल मीडिया की जो अश्लील साइटें हैं जो बच्चों के मानसिक स्थिति को खराब कर रही हैं। जिस पे मैं अपने बच्चों पे नज़र रखते हुए, मैं और मेरी भाई क्या बोलते हैं उसकी फ्रेंड सर्कल और उसके सारे जितने भी क्या बोलते हैं वो क्या पढ़ रहा है, क्या वो सर्च कर रहा है, उसकी हिस्ट्री पे कहीं ना कहीं नज़र रखते हुए, और हम उसको, मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग बारी बारी से उसको समय देते हैं, बैठाते हैं और एक मित्र की भांति उसके संग समय व्यतीत करते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, पीयर ग्रुप, अपने हम उम्र वालों की बात समझ आती है क्योंकि वो अपने लेवल से बात करते हैं और माता पिता के हर उपदेश को दोनों कानों का उपयोग करते हुए क्या करते हैं, उनको एक तरफ से सुनते हैं, दूसरे से निकालने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा बच्चों को, थोड़ा माता पिता, दोनों को थोड़ी कोशिश करनी रहेगी कि माता पिता बिल्कुल फ्रेंडली बच्चों के अंदर तक घुसे कि बच्चा वास्तव में क्या चाह रहा है, उसकी हर इच्छा को, उसके हर काम को, उसकी हर एक्टिविटी को ध्यान में देते हुए, ध्यान रखते हुए उसको समझने की कोशिश करें, उसके हिसाब से उसे ट्रीट करें, तो शायद कभी भी कोई बच्चा गलत कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोचेगा कि मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति क्या कहती है, मुझे क्या करना है, तो वो करने से पहले ही रुक जाएगा और अपने जीवन में कभी भी गलत कदम नहीं उठाएगा। दिल्ली के बॉयज लॉकर रूम मामले के सामने आने के बाद अब माँ बाप पर भी एक बड़ा सवाल उठता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दसवीं के ये नाबालिग बच्चों की इस तरह की चैट करना एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि बच्चों की इंटरनेट हिस्ट्री को और व्हाट्सएप चैट को माँ बाप देख रहे हैं या नहीं। यदि नहीं देख रहे हैं तो माँ बाप को अब देखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बच्चा भी मोबाइल दिन भर यूज़ करता है और इंटरनेट पर रहता है
तो वो कहीं ना कहीं अपराध की जगत में अब घुसता दिखाई दे रहा है। मैं कैमरा पर्सन राम किशन सैनी के साथ ऋषभ पांडे, एवन टीवी न्यूज, जयपुर।